जी डिनर हो गया शुरू आज, क्योंकि सुबह निकलना है जल्दी, तो डिनर आज बाहर से मंगाया है, बनाया नहीं है। डिनर में हमने मंगाया है शाही पनीर और येलो दाल तड़का। और रोटियां देखिए भाई, मेरे को तो रोटियां सबसे अच्छी लगी यहाँ की, बहुत मतलब साइज भी और बिल्कुल प्योर गेहूं की रोटी है। ये देखिए, ये देखिए, ये हाफ रोटी का साइज है, ये हाफ रोटी का भाई, जबरदस्त। कैसा है टेस्ट बच्चा? अच्छा है। ये देखो रोटी का साइज एक डाइनिंग प्लेट जितना है, ये पूरी प्लेट ढक रही है इससे, इतनी बड़ी है। और प्योर गेहूं की है यार, बात तो ये है, प्योर गेहूं की रोटी दी है भाई। और ये देखिए, ये क्वांटिटी जो है ना क्वार्टर पनीर की है, जो क्वांटिटी भी दी है वो भी जबरदस्त दी है। मतलब क्वार्टर पनीर में भी दो लोग बड़े आराम से खा सकते हैं, रज के तीन लोग कर सकते हैं आराम से मैनेज क्वार्टर पनीर में। लो भाई चलने की होगी तैयारी, पर आज देखो ओए, ये देखो पूरी बर्फ जमी हुई आज हर जगह है। ओए होए देख रूपाशी कितनी बर्फ जमी हुई आज। तो चलो गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो बर्फ के निशान भी बन रहे हैं, देखो रूपाशी बिल्कुल जैसे स्नो गिरती है उसके निशान होते हैं। स्नो भी ऐसी पड़ती है ना, ये ओस पड़ी होगी वो जम गई। हाँ सोचो देखो, स्नो बिल्कुल स्नो वाले निशान हो रहे हैं गाड़ी पे सारी पे, ये देखो। चलो भाई गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, इतनी ठंड में देखते हैं पहले सेल्फ में होती है या नहीं। वो भी भाई पहले सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट, वेरी गुड भाई, इतनी ठंड में भी पहले ही सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई। चलो गाड़ी को अपनी करते हैं गरम और निकलते हैं फटाफट आज यमुनानगर के लिए, देखते हैं किस टाइम पहुंच पाते हैं। भाई देखिए अभी भी गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर दिखा रहा है गाड़ी का, -3 डिग्री और इससे कहीं ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि अभी देख सकते हो आप कितना बर्फ जमा हुआ है बाहर, तो इससे भी ज़्यादा ठंडा है, पूरा स्नो स्नो स्नो, -3 डिग्री तक बहुत है अभी। लो जी सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए सुबह सुबह, ठंड बहुत है आज, मौसम साफ था ना, हाँ सूरज भी निकल गया, तैयार खड़े हैं अभी चलने के लिए। और ये देखो गाड़ी पे शीशे से कितनी बर्फ उतर रही है, अभी भी शीशा साफ नहीं हो रहा, पूरी बर्फ जमी पड़ी है सारे शीशे पे, इसको पहले साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। लो जी निकल पड़े हैं, जाने का मन नहीं कर रहा है पर इस शानदार प्रॉपर्टी से, और क्या करे जाना पड़ेगा, आज पूरी बर्फ बर्फ हुई है बाहर भाई, लेके भोले बाबा का आशीर्वाद निकल चुके हैं यमुनानगर के लिए, -3 डिग्री दिखा रहा है। अभी हम यहाँ से मुड़ रहे हैं NH1 की तरफ, जम्मू कश्मीर यहाँ से तो बाहर आ गए ना श्रीनगर से, बस अब हम अनंतनाग 55 किलोमीटर है, हाँ यहाँ से अब ये NH1 पे जाएंगे, NH1 से ही कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 1 फॉर 1.5 किलोमीटर, बस 8 किलोमीटर जा रहा है NH1 पे, ये कहाँ पे जाएंगे भाई, गुलमर्ग भी जा रहा है यही रास्ता, हम शायद उस दिन उससे निकल गए अंदर शहर, मैं तुम्हें कह नहीं थी कि टूरिस्ट तो दिख नहीं रहा, इधर से लंबा पड़ता में सही है, चलो जहाँ से निकाल दिया शहर भी घूमने को मिल गया, और अभी यहाँ से हमें NH1 से मुड़ना है NH44 की तरफ, अब हम जाएंगे NH44 पे। भाई कोई भी अगर कश्मीर घूमने का अपना प्लान बना रहा है तो बेधड़क बनाओ, कोई यहाँ पे डर वाली बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया माहौल है खुशनुमा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, फुल सिक्योरिटी है भाई, हाईली रिकमेंडेड इस टाइम पे जम्मू कश्मीर, इतना अच्छा यहाँ पे माहौल है, मजा आ जाएगा घूम के। Thank you.
भाई उधमपुर क्रॉस कर लिया है और अभी दिखा रहा है हमें कि 10:30 बजे पहुंचेंगे, 10:50 और दिखा रहा है। देखो अभी क्या रहा था आगे ट्रैफिक का सीन। जलंधर रह गया 175 किलोमीटर, दिल्ली 525, कठुआ 37। कठुआ आने वाला है अभी, जगह जगह रोड पे काम, इधर भी काम चालू है फुल, ऐसे चौड़ा करते जा रहे हैं ये कुछ दिनों में ऐसे ही। वो जैसे अब दिल्ली से लगे ना भैया 12-13 घंटे, यही 7-8 घंटे का बना देंगे रोड ये। हाँ जैसे टनल के काम पूरे हुए, हाँ फिर हो जाएगा टनल के और हाईवे के भी। अभी हाईवे के भी तो काम चालू है ना, जगह जगह से डाइवर्जन है तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो भाई अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पठानकोट और अभी बजे हैं 4:15 और अभी हमें दिखा रहा है तकरीबन 5 घंटे 50 मिनट का रास्ता, 338 किलोमीटर और जाना है, आधे में आ गए हैं। 50% हमने अपना कवर कर लिया है। डलहौजी कौन सा है? डलहौजी सिद्धार्थ डलहौजी लिखा हुआ है। अच्छा, तो वहाँ निकल जाएगा ना हिमाचल में। अच्छा तो अच्छा देखते हैं, अभी हम 10 बजे का दिखा रहे हैं, 10 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तो फोग ना मिले बस, जैसी है प्रिडिक्शन के फोग बहुत आ रहा है, बाकी देखो कैसा रहता है उस पर डिपेंड करता है पहुंचना। अगर फोग मिला तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, बाकी बने रहिए वीडियो में दिखाते रहेंगे आपको। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बने रहिए। भगवाड़ा पहुँच चुके हैं, टाइम हुआ है 6:25 और अभी तो भाई 3.5 घंटे का रास्ता हो रहा है, 205 किलोमीटर। चलो अभी तक ये है कि हमें फोग नहीं मिला, आज हमारी किस्मत अच्छी है, फोग भी नहीं मिला, ट्रक भी नहीं मिल रहे, ट्रक और डीजल मिल गया भाई। हाँ आज एक ट्रेजडी हो गई थी, बस डीजल होने वाला था खत्म और किसी भी पेट्रोल पंप पे ना मिले। वो तो शुक्र है एक पेट्रोल पंप पे उसने बेचारे ने दे दिया, बोला नहीं सब मना कर रहे हैं तो नहीं चलो मैं दे देता हूँ भाई, नहीं तो आज बीच में ही रुकना पड़ता कहीं। ये अम्बाला पहुंच चुके हैं, टाइम हुआ है 8:17 और अभी 57 मिनट और दिखा रहा है, 55 किलोमीटर रह गया। भाई अच्छी बात ये है कि फॉग नहीं मिला आज, तो इसलिए हम टाइम से पहुंच भी रहे हैं। इनफैक्ट टाइम से पहले ही, 10 बजे दिखा रहा था, 10 से पहले सुबह तो 11 बजे दिखा रहा था, सुबह तो 11 बजे था, फिर 10 बजे हुआ, सुबह तो 11 बजे हमारा 12 घंटे का चैलेंज करवा दिया गाड़ी में, एक स्टॉप दिया बस तुमने, एक स्टॉप वो भी सिर्फ लंच के लिए 30 मिनट्स का, वो भी बस 30 मिनट्स का स्टॉप दिया, उसके बाद नॉन स्टॉप। अलेक्जेंडर रोड बता रहे, पर इसका तो सत्यमेव जयते चौक होना चाहिए नाम। सही बात है, और ये सीधा जा रहा है जगह। 500 मीटर्स एट इंदिरा चौक कंटिन्यू स्ट्रेट ऑन टू नेशनल हाईवे 444A। ओके मैडम, तो ये हम अभी निकल रहे हैं अम्बाला कैंट से। ओके तो बेसिकली हम गुड़गांव ना जाके यमुनानगर जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, तो अभी 15 दिन यमुनानगर, वहाँ से कोई और टूर भी बनाएंगे। अब की बार रूपाशी हम व्यूअर्स से ही पूछते हैं अपने, नहीं कहाँ जाए ऑप्शन है, पहाड़ों में नहीं जाना, ऐसा क्यों यार कितना घूम हो गया पहाड़ों में, बस भाई बाबी चले पहाड़ों में कौन सा। अच्छा जी जी रुक गए सर, भाई पहुंच गए हैं फाइनली घर पे और टाइम हुआ है ये आप देख सकते हो 9:30 बजे हैं रात के। भूख नहीं लग रही है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे बच्चे चाहिए हमें जो खाना ही ना खाए हमारे पैसे बचाएं। आपको लग रही है ठीक है भाई, अभी घर पहुंच गए, सामान सामान उतारेंगे आराम से। भाई हेक्टिक हो गया आज बहुत, क्योंकि नॉन स्टॉप आए हैं, सिर्फ एक स्टॉप लिया है श्रीनगर से यहाँ यमुनानगर तक जगाधरी तक, वो भी एक स्टॉप सिर्फ 1/2 घंटे का। फोग का डर था बट फोग नहीं आया, बच गए और टाइम से हम पहुंच गए। तो भैया ये सीरीज यहीं पे, ये सीरीज का आखिरी एपिसोड है ठीक है, इसके बाद नई सीरीज स्टार्ट होगी और वो आपको जल्दी बताएंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं दूसरी ट्रिप पे। तो भाई अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पूरी सीरीज देखें, आपको खूब मज़ा आने वाला है।